ये आपका पनिशमेंट है। चलिए सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ए है क्या, तो लिखने नहीं देंगे लोग जब तक गुस्से में नहीं। क्लास चलती है ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये सब आपका जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें क्या होगा, सो दे हैव एटलीस्ट One, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट वन C डबल बॉन्ड C होगा।
सो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। तो उस केस में भी हमारा इस तरह से अलग अलग नाम होंगे। सो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद नेम, इसमें थोड़ा टेक्निकल लंबा होगा, ओके। ओके, उसके बाद यहाँ नेम होगा एंड इस केस में स्ट्रक्चर भी एक दो बना लूंगा मैं, बाकी आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला कंपाउंड जो है उसका नाम क्या है? तो पहला कंपाउंड है क्या? पाल्मिटो लेइक एसिड, ठीक है। तो पाल्मिटो लेइक एसिड, उसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 60:1, समझ रहे हो? तो 16:1 पाल्मिटो लेइक एसिड, ओके। उसमें एक डेल्टा नॉमेनक्लेचर होता है, उसको हम लोग डेल्टा 9 बोलते हैं। तो याद रखना, यहाँ एक डेल्टा साइन होगा, डेल्टा, एंड सुपरस्क्रिप्ट में 9 होगा, बट वो तो यहाँ मैं नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैं एक बार हाथ से लिख दूंगा। अगला डायग्राम में क्या करेंगे, आपका सिर्फ कॉमा देके लिख लेंगे। तो ये आपका डेल्टा 9 नॉमेनक्लेचर होता है। ना प्लीज याद रखिए, इन केस ऑफ दिस कंपाउंड आपका क्या है, ओके, पहले हम लोग कार्बन जोड़ देंगे, फर्स्ट विल जॉइन द कार्बन्स, ओके। नाउ सपोज इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, ओके, कार्बन कार्बन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आप COH लगा देना, तो जहां COH होगा, एक्चुअली IUPAC नंबरिंग क्या होता है, वहां से 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, कोई शक? तो ये आपका पाल्मिटिक एसिड हो गया। अब उसमें हम एक डेल्टा 9 में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। 9 का मतलब क्या है? डेल्टा पोजीशन आपका IUPAC साइड में होता है एंड ओमेगा नंबरिंग आपका ऑपोजिट साइड से होता है। तो ये अगर डेल्टा 9 है तो ओमेगा क्या होगा? 7, ठीक है। तो 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ओके, 9 एंड 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए डेल्टा 9 है। बट अगर रॉन्ग साइड से देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसलिए जो फैट डेल्टा 9 है वो ओमेगा क्या है? वो ओमेगा 7 फैटी एसिड है। समझ में आया? चलिए, तो उसके बाद हाँ बोलिए, आगे। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो इसलिए सेकंड जो है हम लोग बोलेंगे क्या? ओलेइक एसिड, सॉरी, तो रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे 18:1, ये भी डेल्टा 9 पोजीशन है, ओके। तो यह है ओलेइक एसिड, तो अब आप खुद बना लेंगे, तो फिर ये ओमेगा क्या हो जाएगा? बोलिए, 9, ओमेगा भी 9 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड कंपाउंड जो है वो क्या है? 18:2,
9, 12, तो इसका नाम है लिनोलेइक एसिड। ठीक है, फोर्थ कंपाउंड है क्या 18:2:3:9:12:15, इसका नाम है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, आया समझ? तो कैन यू मेक द बॉन्ड? यस। तो इस इन तीनों में कौन सा फैटी एसिड है ये बोलो, मतलब इन तीनों में कौन सा फैटी एसिड आपका ओमेगा थ्री है? लास्ट वाला। ठीक है, सो द लास्ट वाला फैटी एसिड जो है वो ओमेगा थ्री। क्यों? 18 - 15 = 3, तो इसमें ओमेगा क्या हो जाएगा 3, 6, 9। ओके, तो इसलिए इधर से उधर जाओगे तो डेल्टा, उधर से इधर आओगे तो ओमेगा। उसके बाद आ जाएगा 5। ओके, उसको हम लोग लिखेंगे 20:4। ओके, 20:4 कौन सा एसिड है? इसको हम लोग कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। ओके, एराकिस हाइपोजिया इज द नेम ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, तो इसलिए इसका नंबर होगा 5, 8, 11, 14। ठीक है, तो ये है एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड नट। ओके, तो ग्राउंड नट क्या होता है? चीना बादाम। ओके, उसी तरह एराकिडिक एसिड भी जो है ये भी ग्राउंड नट से आता है। ओके, फ्रॉम ग्राउंड नट, अंडरस्टैंड? चलिए, अब इसके बाद आ जाएगा, तो एक्चुअली आपके बुक में इतना दिया हुआ है, ये मैं आत्मन को लाइक करता हूं इसलिए दे रहा हूं। तो ये है 20:5। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये सारे लिख दो, पीछे एक 17 जोड़ देंगे। फाइन, तो ये कौन सा एसिड हो गया बोलो, ओमेगा थ्री ना ओमेगा सिक्स ना क्या है? बोलिए, ओमेगा थ्री। यस, तो ये टिम्नोडोनिक एसिड है। एंड उसी तरह जो 7 है उसको हम लोग कहते हैं क्या, 22:6, तो इसका नाम क्या है बोलो, DHA। नहीं, आपको मालूम है DHA क्या होता है? बोलिए, सुना है सर। DHA नहीं सुना है तो सर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के पान का दुकान दे दो। अरे तुम पर हॉर्लिक्स रे, बॉर्नविटा रे, सब दिन टीवी रे आछी, इसमें है DHA भरा, इसमें नहीं जरा, इसमें है DHA भरा, इसमें नहीं DHA जरा, इसको ले लो बेटर, उसको ले लो बेटर, कितना टीवी में ऐड आता है। और तुम बोलता है तुमको नहीं आता है, तो डस्टबिन में जाओ। तुम लोग गुस्सा दिला देते ना मेरे को, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, 4, 7, 10, 13, 16, 19, तो ये है आपका सर्वोनिक एसिड। समझ रहे हो? तो ना ये जो लास्ट दोनों एसिड है ये आपको फिश ऑयल्स में मिलेंगे, समझ रहे हो? दे आर बेसिकली फाउंड इन फिश ऑयल्स, इसलिए जो वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं वो कहां से पाएंगे ये? तो ये दोनों जो हैं ये फिश ऑयल्स हैं, टिम्नोडोनिक सर्वोनिक। आप देख रहे हो दोनों ही ओमेगा थ्री है, तो इसलिए ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आर एलडी। फाइन, तो इनको हम लोग कहते हैं इधर क्या,
found in fish oils. ठीक है, found in fish oils. ओके, ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं. आप देखो, जब आप टीवी में एड कर देखते हो, वो लोग क्या बोलते हैं, ये बेस्ट है, इसमें है पुफा. तो व्हाट इज पुफा? तो ये सारे एसिड देख रहे हो, ऑल ऑफ दीज एसिड्स, दे आर कॉल्ड व्हाट? सो दे आर कॉल्ड पुफा. तो व्हाट इज पुफा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. बट ये देनो जो है, ये है मुफा. तो ये दोनों जो क्या है, ये दोनों है मुफा. व्हाट इज मुफा? बोलिए मुफा. मुफा माने मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो ये हमारे मेड इन आवर बॉडी, मेड इन आवर बॉडी. सो नेफा, व्हाट इज नेफा? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स. ठीक है, तो ये हमारा नॉट नीडेड इन डाइट. समझ रहे हो? नाउ पुफा जो है, इट इज क्या, नॉट मेड इन एनिमल बॉडी. सो इफा, या इसको हम लोग मजाक में विटामिन एफ बोलते हैं, हैज टू बी टेकन इन डाइट. ये आपको जैसे भी हो खाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलता नहीं है. ओके, तो ये हमारे बॉडी में बनता नहीं है. अंडरस्टैंड? पुफा, इफा, नेफा सब समझ में आ गया? तो इसीलिए ये मुफा है, इसीलिए नेफा है, ये पुफा है, इसीलिए एफा है. कोई शक? चलिए, तो ना ओलेइक एसिड के बारे में एक चीज बोल देंगे. मोस्ट कॉमन फैटी एसिड इन एनिमल फैट्स. ठीक है, तो एनिमल फैट्स में ये सबसे कॉमन फैटी एसिड हो गया. चलिए, तो ये हमारा फैटी एसिड्स हो गया. अब इनको जोड़ जाड़ के, आपका कितने बजे छुट्टी होता है नेक्स्ट क्लास? 11:30 से. 11:30, 5-10 मिनट खींच लेते हैं. तो नाउ वी विल कंपोजिशन ऑफ फैट्स. तो हम आपको अब अलग अलग फैट्स बनाएंगे, सो दैट आपको हम होमवर्क दे पाए. तो इसलिए फैट्स जैसे अलग अलग नाम का होता है, अब आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सा फैटी एसिड है. तो सबसे पहला जो मैं जनरली, आत्मन जानता है कि मैं सबसे डिफिकल्ट वाला कर देता हूँ क्लास में, तो इजी वाला आपको दे दूंगा, घर में कर लेना. तो ट्राई पाल्मिटिन, तो हर समय याद रखेंगे फैट में तीन फैटी एसिड होगा. तो ट्राई का मतलब क्या है? थ्री. पाल्मिटिन का मतलब क्या है? 16:0 पाल्मिटिक एसिड. ठीक है, नाउ ऑल थ्री अगर हैं सैचुरेटेड, तो ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड फैट्स या घी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. समझ रहे हो? तो अगर आपका सारे के सारे फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं, तो इसमें क्या होगा? वो घी बन जाएगा. बले बले, उसी तरह एक और डिफिकल्ट वाला मैं कर देता हूँ, ट्राइओलेइन. ये तो इजी वाला है ना. कड़ा. तो ये ट्राई का मतलब क्या है? थ्री. ओलेइक एसिड का मतलब क्या है? 18:1. तो ओलेइक एसिड, समझ रहे हो? तो ये तीनों अनसेचुरेटेड हैं, तो अनसेचुरेटेड
fats या oil liquid at room temperature. समझ रहे हो? तो ये मैंने आपको सारे डिफिकल्ट वाले बना दिए, अब आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा. सो ये सब इजी वाला आपको दे रहा हूं, खुद कर लेना. आप देखिए ओलेयो लिनोलेयो लिनोलेनिन, ठीक है, समझ में आ गया. ओलेयो पाल्मिटो सर्वोनिन, आ गया मजा. तापरे पाल्मिटो स्टीयरियो ओलेइन, मजा आ गया. तापरे पाल्मिटोलेयो डाई सर्फोनिन, बुझियाला बन जाएगा. तापरे पाल्मिटोलेयो ओलेयो टिम्नो टोनिन, आ गया मजा. उसके बाद कुछ मर्जी लिखते रहो, उसमें क्या है. तो लिनोलेनियो टिम्नो टोनियो सर्फोनिन, उसके बाद और क्या बोले बताओ. एराकिडो एराकिडोनियो टिम्नोटोनिन, ठीक है. टेन क्या ले लेंगे, एराकिडो डाइपाल्मिटिन. चलिए करिए. तो ये सब जो है ये क्या है, दे आर ऑल व्हाट बताइए, फैट्स. अब आपको बताना है उसमें कौन सा क्या क्या है. चलिए सागरिके, इसका इसका नाम है स्वागतिका, आप पहला वाला करिए. तो इसमें क्या क्या है बताइए, वेरी वेरी इजी, क्योंकि सारा डिफिकल्ट वाला तो मैंने ही कर दिया आपके लिए. चलो पहले आत्मन कर देगा, वो आपको गाइड करेगा, फिर आप लोग करना. आत्मन आप पहला वाला बताइए. एक 18:1 ओलेइक एसिड आएगा. आराम से एक एडियट, मुझे टाइप भी करना है. हाँ प्लस एक 18:2 लिनोलेइक एसिड आएगा. प्लस एक 18:3 लिनोलेनिक. ओके बल्ले बल्ले. एंड ये क्या है, तो ये तो हम यहां से कॉपी कर लेंगे, बिकॉज अगर आपका एक या दो या तीन अनसैचुरेटेड हैं तो क्या हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड. समझ में आया जवानों? यस सर. चलिए तो आप आ जाइए, दूसरा वाला करिए. चलो अभय दास नेक्स्ट वाला बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम फोटी मत करो. 18:1 कितना ढो? वन. हाँ तो वो कौन मौसा आके बोलेंगे तेरे. 18:1 क्या ओलेइक प्लस 1 18:2 क्या ये सेकंड वाला करना है तेरे को. ए फोर्थ वाला ये 16:1 है, 16:0 समझ रहे हो. 16:0 पाल्मिटिक, ओके प्लस 1 क्या
सर्वोनिन। एंड इसमें आपका दो अनसैचुरेटेड है तो भी ये क्या होगा, ऑयल। समझे, अगर एक दो या सारे अनसैचुरेटेड हैं तो ऑयल होगा, अगर सारे के सारे सैचुरेटेड हैं तो वो क्या होगा, दैट विल बी फैट्स। अब बिफोर दैट यहाँ एक पॉइंट लिखना भूल गए, तो ये जो 22:6 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं DHA, वेरी वेरी गुड फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन। आप देखोगे क्यों आप खाना चाहिए, क्योंकि इसमें है DHA भरा। व्हाट इज DHA? डोकोसा हेक्स इनोइक एसिड। सुनिए, डाई का मतलब क्या है, टू। ठीक है, एक्चुअली इसका नाम कैसे पड़ा मैं लिख दे रहा हूं, डाई माने टू, ओके, आइकॉस माने 20, ओके, इन माने डबल बॉन्ड, ओके, एंड ओइक एसिड। तो इससे डेरिवेशन हुआ डोकोसा हेक्सिनोइक एसिड। हेक्स एक छूट गया, हेक्स का मतलब क्या है, सिक्स। तो समझ रहे हो, तो इसमें क्या क्या है बोलिए, दो 22 डाई आइकॉस मतलब 22, छठो इन है डबल बॉन्ड एंड ओइक एसिड। बायोलॉजिकल कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलता है, तो समझ रहे हो, जब बायोलॉजिकल बॉडी प्रिजर्व होता है अंडर हाई टेम्परेचर फॉसिलाइजेशन प्रोसेस में, तब आपका ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। बट जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रिपल बॉन्ड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में नहीं मिलता है। कोई शक? तो आप ये याद रखेंगे, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो चलिए आप लोग आराम से अभी उधर चले जाइए क्लास, तो वहां जाके आप पढ़ लेना, एंड होमवर्क आज आप कर लेंगे, मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। सो प्लीज डू द होमवर्क एंड आराम से देखकर करना। तो ये हमारा फैट्स हो गया खत्म, अगले बार हम लोग एमिनो एसिड प्रोटीन पढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने तो बोला कि बाकी तुम खुद पढ़ ही लोगे, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह।